हेलो डियर फ्रेंड, आज आप देखेंगे मेरी सोलो ट्रिप विजिट टू वृंदावन। वृंदावन टाउन ऑफ टेंपल्स, टाउन ऑफ आश्रम और लैंड ऑफ गॉड। वृंदावन को ठाकुर जी की नगरी भी कहते हैं, मतलब कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। आप कहीं भी घूमिए वृंदावन में, आपको बहुत सारे खूबसूरत मंदिर देखने के लिए मिलते हैं और मंदिर देखने के बाद हमें वहाँ जाने की इच्छा ज़रूर होती है। तो आप जब कभी वृंदावन जाते हैं, यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत मंदिर आप अगर देखना चाहते हैं वृंदावन में, तो वो है श्री रंग जी का मंदिर, जो कि ये सामने आप देख रहे हैं, और दूसरा है बांके बिहारी मंदिर। रंग जी मंदिर या रंगनाथ जी मंदिर दोनों एक ही है, और इस मंदिर का निर्माण खासकर द्रविड़ियन शैली में किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर आप यहाँ पर नॉर्थ इंडियन शैली भी देख सकते हैं। रंगजी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था 1845 में, और 1851 में इसका पूरा निर्माण हो चुका था। मात्र 6 साल में इस मंदिर को पूरा बना दिया गया, और इसकी लागत में आई थी करीबन 45 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर। इस मंदिर का निर्माण किया था सेठ गोविंद दास और राधा कृष्णन जी ने। स्वामी रंगाचार्य, जो कि बहुत फेमस संस्कृत स्कॉलर थे और एक गुरु भी थे, उन्हीं के गाइडेंस में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का निर्माण फेमस श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि श्रीरंगम में है, उस पर बेस्ड है। रंगजी मंदिर में आपको बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर ऑफ साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर एंड नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। और ख़ासकर इसके जो दो गेट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के जो गेट, वो जयपुर की शैली पर बेस्ड है। अगर आप और भी डिटेल में द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। और ये आप देख रहे हैं 50 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड ध्वज स्तंभ, जो कि रंगजी टेंपल के अंदर ही है, और इसी के पास में आप शीश महल भी देख सकते हैं। इस मंदिर के पश्चिमी भाग की ओर करीबन 50 फीट वुडन चैरियट, मतलब लकड़ी का बहुत बड़ा रथ, एक बिल्डिंग के अंदर कवर्ड करके रखा हुआ है, और उसे साल में सिर्फ एक बार ब्रह्मोत्सव के दिन ही निकाला जाता है। रंगजी मंदिर खासकर डेडिकेटेड किया हुआ है लॉर्ड रामनाथा को, जो कि विष्णु के ही अवतार है, और इसी मंदिर में लॉर्ड नरसिम्हा, गॉडेस सीता, लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मणा, लॉर्ड वेणुगोपाल और लॉर्ड रामानुजाचार्य की भी पूजा की जाती है। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही फेमस वैकुंठ द्वार, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वैकुंठ एकादशी के दिन। इस मंदिर के मुख्य पुजारी जो होते हैं, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण होते हैं, और ये वही फेमस मंदिर है जहाँ पर फॉरेनर्स को सिर्फ जो फर्स्ट टू गेटवेज है वहीं तक एंट्री होती है, और नॉन हिंदूज को जो मेन डीटी है वहाँ पर जाने का परमिशन नहीं होता है। इस मंदिर में दो द्वार है, पूर्व द्वार और पश्चिम द्वार, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो पूर्व द्वार ही कहलाता है। अगर आपको साउथ इंडियन टेंपल स्ट्रक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल सोलो राइड पीस पर एक सीरीज़ मैंने पूरी अपलोड किया था, माय विजिट टू हम्पी, आईहोड़े, पट्टड़कल एंड बादामी। इसमें आप बहुत ही खूबसूरत पश्चिमी शैली को देख सकते हैं और करीब से जानने की कोशिश कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे में दे दूंगा। जो भी उत्सुक है
जो कि साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर को जानना चाहता है करीब से, तो उन वीडियोस पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत खूबसूरत और डिटेल जानकारी देखने के लिए मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं पवित्र शहर वृंदावन का एक और खूबसूरत और बेमिसाल मंदिर, जिसे कहते हैं गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर का आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला देखने वाले का मन मोह लेती है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य मंदिर है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। और ये गोविंद देव जी का मंदिर है, मतलब ये लॉर्ड कृष्णा का ही मंदिर है। वृंदावन का यह सुप्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि 1590 में इसका निर्माण किया गया था राजा मानसिंह एक ने, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर जो कारीगरी है वो बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए उन्होंने उसका ही इस्तेमाल किया गया था, जो कि देखते ही आपका मन मोह लेती है। पंद्रह सौ नब्बे में राजा मानसिंह प्रथम ने जब इस मंदिर का निर्माण किया था, तब ये पूरी तरह 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन मुगल के छठे शासक औरंगजेब जब इन्होंने इस पर हमला किया, तो ऊपर के चारों फ्लोर्स को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 3 फ्लोर्स ही बचे, उसके बावजूद भी यह मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य आपको नज़र आता है। जिस वक्त मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया था और नुकसान पहुंचाया था, उसी समय राजस्थान के जयपुर शहर में यहाँ की मुख्य मूर्ति यानी भगवान जी की मूर्ति को शिफ्ट किया गया था, जो कि आज भी वहीं पर जयपुर में आपको देखने को मिलती है। आप कभी वृंदावन में विजिट करते हैं और आपके पास समय कम हो, तो आप रंग जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, बांके बिहारी का मंदिर, प्रेम मंदिर, इन्हें ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वहाँ पर, और साथ ही साथ वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर भी है, जहाँ पर कृष्ण की ही आपको मूर्ति और वहाँ पर पूजा करते हुए बहुत सारे फॉरेनर्स मिलते हैं। तो आप कभी भी वृंदावन जाए तो इन जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे मेरे चैनल पर प्रेम मंदिर के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो बहुत ही खूबसूरत वन है निधि वन, उसके बारे में भी आप डिटेल में जानकारी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल सोलो राइड फॉर पीस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ जल्द से जल्द लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आप सजेशन देना चाहें तो आप मुझे ज़रूर दीजिए। आप किस किस्म के वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज ड्रॉप करके। और देखते रहिए मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। Be good, do good. Thank you.